हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्लो स्विच कैसे क्या होता है, फ्लो स्विच कैसे काम करता है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं, ये सारा बताऊंगा मैं। ये इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये फ्लो स्विच है, इसको खोलेंगे पूरा। ये एक्चुअली हनीवेल का फ्लो स्विच है, हनीवेल मॉडल नंबर WFS6000 है। ये 150 PSI पे काम करता है और 1 इंच का NPT है इसका। NPT मतलब ये इसका जो थ्रेड है ना, 1 इंच का है, यानी 25 mm का है ये, और 25 एम्पियर इसका करंट और 250 वोल्टेज है इसका। इसका फ्लो डायरेक्शन ऐसा होता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये फ्लो स्विच है। इसके साथ और दूसरा इसका ब्लेड है, ब्लेड यानी ये ब्लेड है, ये ब्लेड इस पर इंस्टॉल होता है। ये अलग अलग डाया का अलग अलग ब्लेड होता है। ये 150 में आता है, ये उससे छोटा डाया में आता है, उससे छोटा डाया में, और ये उससे भी छोटा डाया में। तो अलग अलग डाया का ये मतलब सारे डाया में ये एक साथ आता है, लेकिन जो डाया में हम यूज़ करेंगे उस डाया का उस हिसाब से उसको हम उसके डाया के अकॉर्डिंग लगाएंगे इसमें हम यहाँ इसको इंस्टॉल यहाँ लगाते हैं इसको कुछ इस तरह से। देखिए इस स्क्रू को खोलेंगे, मान लो हम 150 वाला लगा रहे हैं, तो 150 का यहाँ लगा करके इसको इस तरह से कुछ इस तरह से हम इसको टाइट कर लेंगे इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से। लेकिन इसको जब हम टाइट करेंगे इस ब्लेड को, तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि एक यहाँ ग्रूव है, इसके ग्रूव के अंदर घुसना है, ये वाला ग्रूव है ना, इसके अंदर घुसना है। और इस ब्लेड का डायरेक्शन और ये जो अंदर एक अलग इसके साथ जो ब्लेड है उसका भी डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे उस हिसाब से, ताकि ये जब मेरा ये हो पानी जिसमें फ्लो हो तो मेरा पूरा एग्जैक्ट ऐसे आए। और दूसरा इसके साथ आता है एक यूज़र मैनुअल, यानी इसमें दिखाता है कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, कैसे वायरिंग कनेक्शन करेंगे, क्या इसका फीचर्स है, कैसे क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारा इसमें रहता है। ये फ्लो स्विच है हनीवेल का, ये उसी मॉडल का है। तो ये पूरा ये रहता है, जैसे देखिए यहाँ पूरा ये दे रखा है इसका ब्लेड, अलग अलग ब्लेड में क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा करेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन देख रहा है, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, रेजिस्टेंट प्रेशर क्या है, इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस क्या है, सब सारा दे रखा है इसमें। तो ये आप पढ़ करके उस हिसाब से अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका वायरिंग कनेक्शन के बारे में भी दे रखा है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़र मैनुअल। आप देखेंगे इसको यहाँ पे नन फ्लो में ये दे रखा है, कैसे नन फ्लो में जब यानी स्टैंड बाई रहता है, यानी इसमें पानी जब फ्लो नहीं होता है पाइप में, तो ये इस कंडीशन पर रहता है जब हम, और वायरिंग कनेक्शन इस पर ऐसे रहता है। तो ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा फिर आगे वीडियोज़ में, आप पूरा वीडियो देखिए और आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलने का है। दोस्तों अब इसका इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले इसको टेफलन टेप से इसको लपेटेंगे बहुत बढ़िया से, और इसका जो थ्रेड है उसका ध्यान रखते हुए लपेटेंगे और इसको बढ़िया से लपेट देंगे इसको, ताकि लीकेज ना हो आगे चल के। दोस्तों ये 25 का कॉलर है, 25 mm का ये कॉलर है। इस कॉलर में ही इस तरह से ये फ्लो स्विच फिक्स होता है। लेकिन ये कॉलर जो है सबसे पहले हम पाइप में वेल्डिंग करते हैं, यानी इस तरह से ये वेल्डिंग करेंगे और हम इसको फ्लो स्विच को इस तरह से यहाँ पे पूरा टाइट कर देंगे घुमा घुमा करके। लेकिन उससे पहले ये जो कॉलर है वेल्डिंग करके इसमें, यानी तो इसका यहाँ पे भी टी भी लगा सकते हैं, यानी तो ये कॉलर भी लगा सकते हैं, यानी बशर्ते यह है कि ये 25 डाया का होना चाहिए। तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स करके इसको वेल्डिंग कर देते हैं इस तरह से चारों तरफ से। लेकिन ये जो अंदर 25 डाया है, यहाँ पे अंदर ये होल होना चाहिए, ये जो है ना ये दिख रहा है, जो अभी मैं वेल्डिंग नहीं कर रहा हूँ जिसके वजह से अभी मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको अंदर होल करेंगे, ये होल होल्डर से ही कर लेते हैं, जो वेल्डिंग जब करते हैं तो इसको होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद इस तरफ से चारों तरफ से ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर लेते हैं बढ़िया से, ताकि वो लीकेज वकेज इस ज्वाइंट से मेरा ना हो। और उसके बाद इसमें हम लोग इस टेफलन टेप लगा के रखे हैं, इसको इससे पूरा थ्रेड से टाइट कर देते हैं इस तरह से।
हमारा हो गया पूरा टाइट। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे पाइप रिंच या सेलर रिंच वगैरह लगा करके इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों मैं अब आपको इसका वायरिंग कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसको खोल लेंगे, पूरा नहीं खोलना है, इसको हल्का सा खोलेंगे, थोड़ा सा ढील कर देंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। नट को पूरा नहीं खोलना है, निकल गया ये इस तरह से। अब देखिए इसमें कॉमन है, यहाँ एनसी है, यहाँ एक एनसी है, बीच में एनओ है, एक यहाँ एनसी है, एक साइड में बीच में एनओ है, फिर दूसरे साइड में कॉमन है। आपको शायद ना दिखे, शायद ना दिखे ये, लेकिन इस तरह से है ये। अब हम इसका वायरिंग कनेक्शन करेंगे। रेड वाला वायर को एनसी में कर देंगे और ब्लैक वाला वायर कॉमन में जोड़ देंगे और एनओ वाला वायर में कोई कनेक्शन नहीं करेंगे। अब इसका वायरिंग कनेक्शन तो कर दिए, वायरिंग कनेक्शन कॉमन ब्लैक वाला कॉमन में डाल दिए और रेड वाला एनसी में डाल दिए, लेकिन ये नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। नॉर्मली जब हमारा पानी फ्लो, पानी मतलब पाइप से फ्लो नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मली रहता है, ये नॉर्मली कनेक्टेड रहता है पैनल के साथ। जब पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये क्या होता है, देखिए ये एक टक करके आवाज़ आएगी इसमें से, मैं उंगली से ऐसे दबा रहा हूँ, यानी यूँ समझिए कि इधर से पानी आ रहा है पाइप में, इधर से पानी आ रहा है, मैं ऐसे जब दबाऊंगा इसको टक करके तो ये टक करके आवाज़ आ रहा है। जब पानी रुका रहता है तो हमारा वायर का कनेक्शन एनसी के साथ रहता है, और जो ही पाइप में पानी फ्लो होना शुरू होता है तो जो स्विच का स्ट्रक्चर अंदर का चेंज हो जाता है और वो एनसी से एनओ हो जाता है। उसके बाद अलार्म को सिग्नल मिल जाता है, अलार्म पैनल को सिग्नल मिल जाता है, टक टक आवाज़ आ रही है, ये वही है एक्टिवेट होने का। अब इसमें एक चीज़ होता है एडजस्टिंग, एक स्क्रू होता है इसमें, एक स्क्रू, ये वाली स्क्रू देख रहे हैं आप, ये स्क्रू को आप एडजस्ट कर सकते हैं कितने इस पर, ये ऊपर नीचे आगे आगे पीछे भी हो जाएगा ये वाला स्क्रू से। आप इसको और प्रेस करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि थोड़ा मतलब लेटली ये एक्टिवेट हो तो इसको दबा के रखेंगे, इसको थोड़ा टाइट कर देंगे तो ये लेटली एक्टिवेट होगा। लेट मतलब यानी थोड़ी देर बाद जब पानी खूब फ्लो होना हो जाएगा शुरू, तब ये एक्टिवेट होगा, अगर हम टाइट स्क्रू रखेंगे तो। अगर हम लूज़ रखेंगे तो थोड़ा सा भी कहीं ड्रेन व्रेन भी करें तो ये लीकेज होना शुरू हो जाएगा। और जब हम इसको ये उल्टा कभी नहीं, पानी जब उल्टा आएगा, मान लो NRB वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, उल्टा पानी अगर आ रहा है फ्लो हो रहा है तो ये उल्टा पानी फ्लो होगा तो ये कभी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर उल्टा होने का मतलब इस तरह का है ही नहीं अंदर का स्ट्रक्चर, इसकी वजह से ये उल्टा अगर पानी आना उल्टा पानी आना शुरू हो जाए तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। एक पुराना वाला जो हमारे पास रखा हुआ है इसका मेंटेनेंस, इसका देखेंगे इसके साथ क्या हुआ है, इसका मेंटेनेंस का देखेंगे। तो ये मैं खोल करके देख रहा हूँ, खोलेंगे हल्का लूज़ करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब देखते हैं, इसमें जंग पकड़ लिया है, ये पूरे स्ट्रक्चर में जंग पकड़ लिया है, देखिए ये पूरा जंग है सर। ये इसलिए पकड़ा है कि जब ये टाइट हुआ होगा ना तो इसका अंदर का जो सील है, इसके अंदर का जो सील है, एक सील होता है अंदर में, वो सील शायद टूट गया होगा, दिख भी रहा है ये, वो सील टूट गया है, एक रबर का सील होता है वो शायद टूट जाता है, जिसके वजह से वो पानी इसके अंदर से आना शुरू हो जाता है, इसके अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है और इधर आ गया, तो इधर पानी आने पर ये पूरा इस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया, इस पर मतलब कुछ जंग वगैरह आ गया, पानी आने पे जंग आ जाता है इस तरह से है ये। लेकिन हम जब टाइट करेंगे तो इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि इसका ब्लेड आपस में मुड़े ना, ब्लेड जब हम टाइट करेंगे तो इस तरह से ये ब्लेड इस तरह से मुड़े ना, इस तरह से जो मुड़ता है, इस तरह से मुड़ने पे क्या होगा, पूरा इस ब्लेड इस पर इसका जो लिमिट है, लिमिट पर इस पर लोड पड़ जाता है और उसका जो सील है वो कट जाता है। तो टाइट करने के दौरान उसका जो होल होता है वो बड़ा रखेंगे ताकि वो फ्रीली मूव हो सके, फ्रीली रोटेट हो सके।